नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। डबल मर्डर की घटना को पुलिस ने 35 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तार रुपए के लिए की गई थी। घटना जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुवाई गांव में एक दिन पूर्व नानी लालावती 50 वर्षीय एवं नातिन अंचल 13 वर्षीय की धारदार हथियार से हत्या करने वाले हत्यारे को पुलिस के मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में घायल आरोपी का इलाज जिले के अस्पताल में चल रहा है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से लूट के 9,60,000 रुपए एवं महिला के साथ से लूटे हुए सोने चांदी के आभूषण समेत हत्या में प्रयुक्त तो आला कत्ल व असलाह पुलिस ने बरामद कर लिया है। सर, आज पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ है, क्या पता नहीं। कल 13 मार्च को सुबह 9 बजे थाना दीदारगंज में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक महिला और एक बच्ची, इन दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस घटना का अनावरण आज पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके अनावरण के लिए 4 टीमें लगाई गई थी। घटना कारित करने वाले अभियुक्त चंद्रजीत चौहान पुत्र लालधारी चौहान, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, जो मृतका के गांव गवाई का ही रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इससे आला कत्ल और लगभग 9,60,000 रुपये जो इसने वहां से लूटे थे, ये बरामद किए गए। घटना के समय पहने गए कपड़े व जूते, जिनके ऊपर खून के निशान हैं और जो आप लोगों के सामने अभी प्रस्तुत किए गए, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। अग्रिम पूछताछ के दौरान इसके द्वारा घर से लूटे गए जेवर के बारे में भी पुलिस को बताया गया और इसकी बरामदगी के लिए पुलिस के द्वारा इसको ले जाया गया। बरामदगी के दौरान इसके द्वारा पूर्व से छिपाए गए तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात कंट्रोल फायरिंग करते हुए फायरिंग की गई, जिसमें इसके बाएं घुटने में गोली लगी, जिसमें ये घायल हो गया। तत्काल इसको उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, जहाँ पर इसकी कंडीशन अभी स्टेबल है। पूछताछ के दौरान इसने घटना के बारे में सारी चीज़ें कबूल की हैं। पूछताछ के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये पूर्व से परिचित था और मृतका का जब मकान बन रहा था कुछ साल पहले, तो लेबर के तौर पे इसने वहाँ पे काम किया था, इसलिए मकान के हर एक कोने से परिचित था। घटना वाले दिन रात को 8:30 बजे घर के अंदर घुसा है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।